थोड़ी देर बाद एएसआई जमान खान मेरे कमरे में आ गया। जमान उस केस में मेरी मुआवनत कर रहा था। हमारे दरमियान पीर लोटे शाह और उसके कातिल के बारे में तबादला ख्याल होता रहा। आखिर में उसने कहा, मलिक साहब, अब तक की तफ्तीश से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, फूरी बिलवास्ता इस कत्ल में मुलव्वस है। वो कल दोपहर तक आस्ताने पर मौजूद था, फिर अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहां गया और क्यों गया। ये भी किसी को मालूम नहीं कि वो कब आस्ताने से रुखसत हुआ। इस बात के रोशन इम्कान हैं कि वो गुज़श्ता रात लोटे शाह को कत्ल करके यहाँ से फरार हुआ होगा। मैंने खला में घूरते हुए कहा, हाँ एक इम्कान ये भी हो सकता है। वैसे हकीकत हाल तो उसी वक्त खुलेगी जब फूरी हमारे हत्थे चढ़ेगा। वैसे एक बात है मलिक साहब, जमान ने सोच के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, अगर फूरी ही लोटे शाह का कातिल है तो फिर उसकी वापसी का अमकान सिफर के बराबर है। मैंने सवालिया नजर से उसे देखा तो वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, देखे ना, वो इतना अहमक तो नहीं होगा कि वापस आकर खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे सिर्फ एक सूरत इत्तफाक कर सकता हूँ। किस सूरत में? एएसआई के चेहरे पर उलझन नमूदार हो गई। मैंने गंभीर लहजे में कहा, अगर फूरी अनाड़ी या अहमक मुजरिम हुआ तो वाकई वापस नहीं आएगा। ये क्या बात हुई मलिक साहब? देखो जमान, मैंने बेहद संजीदगी से कहा, होशियार और समझदार मुजरिम बहुत सोच समझकर वारदात करते हैं। अगर फूरी ही लोटे शाह का कातिल है तो मैं उसे जहीन मुजरिमों में शुमार करूंगा, इसलिए वो लौट कर जरूर आएगा। मेरा क्यास है वो महज इसलिए जाए वारदात से गायब हुआ कि अदम मौजूदगी से वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उसके पास ऐसा सबूत मौजूद होगा कि गुज़श्ता रात उसने कहाँ और किसके साथ गुजारी है। वो आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। एएसआई के चेहरे की उलझन पूरी तरह रफा नहीं हुई। उसने इस्तफसार आमीज लहजे में कहा, चलो मान लिया, अगर पूरी मंसूबा साज और चालाक कातिल है तो वो लौट कर वापस आस्ताने पर जरूर आएगा ताकि खुद को बेकसूर और बरी जुमा साबित कर सके। लेकिन आपने ये अंदाजा किस बात से लगाया है कि पूरी एक जहीन मुजरम है? आप किस बिना पर उसका शुमार जहीन मुजरमों में कर रहे हैं? तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है जमान खान। मैंने सराहने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम इस बिना के बहुत नजदीक पहुँच चुके हो जिस पर खड़े होकर मैंने मजकूरा अंदाजा कायम किया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो जेरे लब मुस्कुराया और बोला, मैं आपको गलत या सही साबित करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मलिक साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दें। इस जवाब से मैं खुद को एस्टिमेट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कुव्वते मुशाहदा की पोटेंसी क्या है और मेरे तजिए में कितना करंट दौड़ रहा है। वो एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद कंधे उचकाते हुए बोला, वैसे आपका ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं किसी नतीजे पर पहुँच चुका हूँ जो आपके ख्याल के ऐन मुताबिक है। तुम एक जहीन पुलिस वाले हो। मैंने बेसाख्ता उसकी तारीफ की, मुझे उम्मीद है तुम बहुत तरक्की करोगे, वो गहरी संजीदगी से बोला। मलिक साहब, अगर आपका साथ मैसर रहा तो इस तरक्की की रफ्तार तसल्ली बख्श रहेगी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने जमान खान में एक खूबी नोट की थी, वह हद दर्जा इंसार पसंद और एहसान शनास शख्स था। ऐसे लोग वाकई अपने शोबे में बहुत नाम कमाते हैं। मैंने उसके सवाल और अपनी राय की वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस वजह से मैंने पीर लोटे शाह के कातिल को जहीन कहा है। हम फर्ज करते हैं पूरी ही हमारा मतलूबा मुजरम है, हम इसी नुक्ते पर बहस कर रहे हैं ना। मैंने सवालिया नजर से एएसआई को देखा तो उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा, फूरी रुजो शब लोटे शाह की खिदमत में हाजिर रहता था, बल्कि उसका मुस्तकिल ठिकाना भी आस्ताने ही में था। एएसआई पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, अगर लोटे शाह का एक मुरीद खास चौधरी फिरोज दीन इस राज से वाकिफ था कि किसी जोफतील नामी जिन ने पीर साहब को कत्ल की धमकी दे रखी थी तो ये मुमकिन है कि ये बात लोटे शाह के चेले फूरी को मालूम ना हो। फूरी को ये बात सबसे पहले मालूम होगी जनाब, एएसआई ने तायद की। मैंने कहा, मैंने देखा है और यकीनन तुमने भी देखा है, लोटे शाह की बरहना लाश एक मखसूस हसार के अंदर पाई गई है और आला कत्ल एक खतरनाक खंजर है। चौधरी के बकौल लोटे शाह उसी खंजर की मदद से जिन को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मेरी
طرح تم بھی اس غیر منطقی اور فرسودہ کہانی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوگے۔ قاتل نے اپنا کام اس انداز سے سر انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کا سارا کریڈٹ جو فتیل نامی جن کے حصے میں چلا جائے، اور ایسی پلاننگ ذہانت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ جو فتیل کی کہانی سے بخوبی آگاہ ہے۔ بالکل میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، ایس آئی نے میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ملک صاحب، اگر ہم اس تھیوری پر یقین کر لیں تو صورتحال الجھ جاتی ہے۔ جن والی کہانی سے چودھری فیروز دین بھی واقف ہے، اور بھی جانے کتنے لوگ واقف ہوں۔ اس طرح ہم پوری کو فوکس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چودھری فیروز دین اور چند نامعلوم دیگر افراد بھی اسی شک کے دائرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تمہارا تجزیہ معقول اور بھرپور ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے خیال میں چودھری اور پوری کے سوا کوئی اس جناتی راز سے واقف نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی نہ کسی کی زبان سے ضرور پھسل جاتی۔ ہم نے درجن بھر افراد کا بیان لیا ہے، میں نے ذرا توقف کرنے کے بعد اضافہ کیا، اور یہاں تک چودھری فیروز کا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے واردات پر اس کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو اداکاری کے خانے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ڈرے سہم میں ضعیف الاعتقاد اور محروم الاعتقاد شخص سے تاثرات تھے، جو فاتیل جن کی فتنہ پروری کے حوالے سے چھوڑے ہوئے میرے سوشے نے اسے خوف و حراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے اس وقت وہ بخار میں تپ رہا ہوگا۔ اے ایس آئی نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ان حالات میں تو ہمیں اپنی پوری توجہ پوری کی جانب مرکوز رکھنا ہوگی۔ وہ اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کسی وقت بھی آستانے پر نمودار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے جیدہ کو اس پر نگاہ رکھنے کا کام سونپا ہے، کیا پوری جیسے ممکنہ خطرناک شخص کے لیے ہمارا یہ قدم کافی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، میں اس انتظام سے قطعی مطمئن نہیں۔ وہ تو میں نے جیدہ کی فرما برداری کو ناپنے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے ایک ٹاسک دے دیا ہے۔ تم ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم ترتیب دو، جو سادہ لباس میں لوٹے شاہ کے آستانے اور چودھری فیروز دین کی حویلی کی نگرانی کریں گے۔ چودھری کی حویلی کی نگرانی کس سلسلے میں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں چودھری فیروز کی طرف سے بھی کلی طور پر مطمئن نہیں ہوں، اور اس کی بیرون حویلی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس آگاہی کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بندوبست کر دیتا ہوں، زمان خان نے کہا۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے فریاد علی، رب نواز اور منظور زیادہ مناسب رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ کام میں نے تمہارے سپرد کر دیا، تم جیسے چاہو انجام دو، مجھے رزلٹ چاہیے بس۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو رزلٹ دوں گا، اے ایس آئی نے پورے وسوخ سے کہا۔ رب نواز کو میں آستانے پر مطمئن کر دیتا ہوں، اور منظور حویلی کی نگرانی پر مامور ہو جائے گا، جبکہ فریاد علی ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ جیدہ کی کارکردگی پر بھی نظر رکھے گا۔ میں نے پوچھا، یہ تینوں اہلکار پہچان تو نہیں لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ پر یقین انداز میں بولا، یہ تینوں میرے آزمائے ہوئے اور بھیس بھرنے میں ماہر ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کس طرح سا شک بھی نہیں ہوگا۔ زمان خان کے اعتماد نے مجھے مطمئن کر دیا۔ دو روز بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کی موت جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی کھنجر تھا جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا۔ اس رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، اور وہ یہ بات کہ بوقت قتل لوٹے شاہ کسی زود اثر نشے میں مبتلا تھا، اور اسی خماری ٹناری کی حالت میں اس کے سینے میں کھنجر گھونپا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مقتول کے میدے سے حاصل کردہ مواد کا تجزیہ کیا گیا تھا، اور اسی سے پتا چلا تھا کہ زندگی سے موت کی جانب سفر کرتے وقت پیر فرتوت لگ بھگ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ جائے وقوع پر خانہ تلاشی کے دوران میں میں نے ایک الماری میں مختلف قسم کی جو بھری ہوئی بوتلیں دیکھی تھیں، ان میں سے ایک بوتل میں نے لوٹے شاہ کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھجوا دی تھی تاکہ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس بوتل میں پائے جانے والے محلول کے کیمیاوی تجزیے نے ثابت کیا تھا کہ وہ کوئی زود اثر نشہ آور شے تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے میدے کے تجزیے نے میرے ذہن کی ایک الجھن دور کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا تھا، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ سینے میں کھنجر کھا کر قتل ہونے والا شخص ایسی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لوٹے شاہ کسی گہرے
बड़े नशे के जेरे असर था, इसलिए उसने मखसूस जिद्दोजहद नहीं की। जिस रोज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वसूल हुई वो दिन बड़ा हंगामा खेज था। अस्पताल से पीर लोटे शाह की कटी फटी लाश भी आई थी जिसे चौधरी फिरोजदीन ने बनफसे नफीस वसूल किया। उसी रोज बाद नमाज असर लोटे शाह को आस्ताने के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसके जनाजे में गाँव के तमाम मर्दों ने शिरकत की। हाजिरी इतनी ज्यादा इसलिए थी कि वो तदफीन चौधरी के जेर इंतजाम हो रही थी। पता नहीं ये आइडिया किसका था कि कब्रिस्तान के बजाय लोटे शाह को आस्ताने में दफन किया जाए। इस अमल ने मेरे जहन में खतरे की लातदाद घंटियां बजा दी थीं। मैं देख रहा था पीर लोटे शाह किसी हाथी के मानिंद मरने के बाद सवा लाख का हो गया था। कुछ ही अरसे बाद उसकी तुर्बत मजार की शक्ल इख्तियार कर लेती और फिर चढ़ावे चढ़ाने वालों का एक तांता बन जाता। मुमकिन है उस आस्ताने पर हर साल पीर लोटे शाह का उर्स भी मुनक होने लगता और लोग लोटे भर भर का नजराने पेश करते। ऐसे वाकयात में अफसोसनाक बात यह होती है कि लोग भेड़ चाल के असीर हो जाते हैं और किसी तहकीक तफ्तीश में पड़े बगैर अपने मन की मुरादें हासिल करने के लिए ऐसे नकली मज़ारों की रौनक को बढ़ाने में किसी कंजूसी से काम नहीं लेते। मेरी नज़र में ऐसे तमाम अड्डे नोट छापने की फैक्ट्रियाँ हैं जो वहाँ मुसल्लत अफराद की आमदनी का जरिया है। ऐसे सफाक जालिम और शक्ल कल्ब अफराद को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि वो सैकड़ों हजारों लोग मासूम अफराद को गुमराही के अंधेरों में फेंकने का मूजब बन रहे हैं। आपका जहन इस बात से यकीनन उलझ रहा होगा कि मैं पीर लोटे शाह का जिक्र करते करते नहायत ही तलख और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि आप इस वक्त कहानी के वस्त में हैं, इसलिए ऐसा महसूस करने में हक बजानिब है, लेकिन मैं इस वाक्य के आगाज ता अंजाम से वाकिफ हूँ। कहानी के अख्ताम तक पहुँचते पहुँचते आप भी मेरे हम ख्याल हो जाएंगे। एक बात जहन में नक्श कर लें कि बुजुर्गान दीन और रूहानी हस्तियों का एहतराम हम सब पर वाजिब है। इसी तरह ऐसे अजीम इंसानों के मज़ारात को भी इस तो तकरीम की निगाह से देखना चाहिए। इसके साथ नकली और ड्रामेबाज डब्बा पीरों से ना सिर्फ होशियार रहना चाहिए बल्कि हत्तुल मकदूर उनकी मजम्मत भी करना चाहिए। हमारा सरफ़ नज़र और बेपरवाही ही इन लोगों के हौसलों को बढ़ा देती है। असली और नकली में फ़र्क करना हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने थोड़ी देर पहले इस दिन को हंगामा खेज करार दिया। वाकई वो एक गैर मामूली और सरगर्म दिन था क्योंकि उसी दिन की रात को फूरी वापस आस्ताने पर पहुंच गया। उस वक्त तक पीर लोटे शाह को दफन करने वाले आस्ताने से जा चुके थे। जो फतीन जिन वाली कहानी अब पूरे गांव में गर्दिश कर रही थी, इसलिए शाम के बाद किसी भी शख्स ने आस्ताने पर रुकने की जुरत ना की। ये कैसे मुमकिन था फूरी आस्ताने पर पहुँच जाए और ज्यादा देर तक मुझसे दूर रहे। मेरे साथ के चाको चौबंद अफराद ने रात 9 बजे उसे गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया। मैंने पूरी की गिरफ्तारी वाली खबर अपने क्वार्टर में सुनी क्योंकि मैं उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। देहाती और कस्बाती थानों में ज्यादा काम नहीं होता। वैसे भी वो शदीद सर्दी का मौसम था। लगभग 5 बजे शाम सूरज गरूब हो जाता और 8 बजे लोग बिस्तर में दुबक चुके होते। ये खुशखबरी जमान खान ने मुझ तक पहुँचाई थी। उस रोज उसकी रात की ड्यूटी थी। वो खासा जोश में दिखाई देता था। मैंने खुले दिल से उसे मुबारकबाद दी और कहा, जमान तुम इस केस के तमाम जुजियात से वाकिफ हो। एक नामकूल टेप रिकॉर्डर तुम्हारे हाथ आ गया है। तुम इसके कुल पुर्जों से छेड़छाड़ करके देखो। अगर ये बोलने के काबिल हो जाए तो मुझे इतला भिजवा देना, मैं भी उसकी बोली सुनने आ जाऊंगा। तुम्हारी वैसे भी शबीना ड्यूटी है, कुछ तो मसरूफियत होना चाहिए ना। वो मेरे ढके छुपे अल्फाज को पूरी वजाहत के साथ समझ रहा था। मेरी बात के इख्तिताम पर उसने कहा, आप फिक्र ना करें मलिक साहब, इस मकान में आप मुझे नाकामयाब नहीं पाएंगी। मैं वाकई बेफिक्र हो गया। रात 11 बजे ASI की तरफ से संदेशा आ गया कि माल तैयार है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैंने लिहाफ को खैरबाद कहा और कमरे में पहुंचकर अपनी निशत संभाल ली। उसी वक्त जमान खान मेरे पास आ गया। मैंने उससे इस्तफसार किया, क्या फूरी ने इकबाल जुर्म कर लिया है? वो लोटे शाह के कत्ल से इनकारी है जनाब, ASI ने बताया। मैंने अच्छी तरह ठोंक बजा कर देख लिया है, उसके पास एक नई ही कहानी है, मैंने सुन ली है, आप भी सुन लें। मैंने महसूस किया कि उसकी कहानी खासी जानदार है। आपका मुझसे ज्यादा तजर्बा है, हो सकता है वो गलत बयानी से काम ले रहा हो। मैं उसकी दरोग गोई को पकड़ नहीं सका, मुमकिन है आपकी पकड़ में आ जाए। मैंने उसे डराने धमकाने और सीधा करने के निसफ दर्जन फार्मूले इस्तेमाल कर लिए हैं। मैंने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई, तुम इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं कोई दूसरा तरीका आजमाता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, क्या उसने बताया कि इतने दिन वो
कहाँ गायब था। जी हाँ बताया है, एएसआई ने जवाब दिया। उसके मुताबिक वो चिचा वतनी गया हुआ था। वहाँ जाने से मुतल्लक उसने एक जबरदस्त कहानी सुनाई है। मैंने उसकी कहानी को जानदार इसलिए कहा है कि उसमें एक जिन का किरदार भी मौजूद है। मैंने हैरत और दिलचस्पी से एएसआई को देखा और कहा, यानी एक और जिन। फिर मैंने तशवीशनाक लहजे में दरियाफ्त किया, क्या इस जिन से भी किसी इंसान की मौत वाबस्ता है? एएसआई ने नफी में गर्दन हिलाई, नहीं जनाब, यह मामला बरखिलाफ है। इस केस में इंसान से एक जिन की मौत वाबस्ता है और वो इंसान गफूर उर्फ फूरी है। बहुत दिलचस्प, मैंने सर हिलाते हुए कहा। हम ये तवक्को तो कर रहे थे कि वो अपने गजाब की कोई जबरदस्त कहानी सुनाएगा, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया कि जाए वकूआ से अदम मौजूदगी के दौरान में वो किसी जिन से नबर्द आजमा भी हो सकता है। उस चक्करबाज को फौरन मेरे पास ले आओ। एएसआई मैं लेकर आया, कहकर कमरे से निकल गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।